विहार की बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की गुरु व्यास जी महाराज की जय जय श्री राम जनतिरास्त ज्ञान सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम महावदनाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये भक्त्या विहीना पराध लक्ष्य क्षिप्ता सिकामादि तरंग मध्ये दीपावहि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंद नमस्ते चरणारविंदम् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ चय गोसाई करी चरण बंदन जाहा है ते विघ्ननाश अभीष्ट पुरन तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम श्रृंदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहि भागवतम स्वरूपम जन्म प्रभजत्तमनुपीतमपेतकृत्यम द्वैपायन विरह का तर आयु भाव पुत्रीति तन्मयतया तर्वो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुष्णी नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठाकर बोले बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म मित्रिला गुरुविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म मित्रिला गुरुविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। गत कल श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे धीरे धीरे कृष्ण बड़े हो रहे हैं।
एक दिन कृष्णा जब 3 महीना उनको हो गई, अपने आप उन्होंने करवट ले लिए। मैया को तो बड़ा आनंद हो, मेरे लाला का शरीर में ताकत आ गया, इसलिए लाला ने करवट ले ली। आज घर में मैं उत्सव मनाऊंगी, सारी ब्रज गोपियों को नौता दे दी और अपना आंगन को साफ सुथरा करके सारी दूध दही सब कुछ एक बैलगाड़ी को भर गया और कृष्ण को लेकर के उसको नीचे उन्होंने लेटा दी और गोपियां बैठ करके कीर्तन कर रही थी। एक दिन कृष्ण को श्री नारद जी प्रश्न किए, बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो? भगवान बोले देखो दुनिया कहता है मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहते हैं मैं रहता हूँ योगियों का हृदय में, वहाँ भी नहीं रहता हूँ। बोले कहाँ रहते हो? बोले एक जगह पर तुम मेरे को पाओगे, मत भक्ता जत्र गायत्री तत्र तिष्ठूंगा। जहाँ पर मेरे भक्त जन मेरे कीर्तन करते हैं मैं वहीं पर रहता हूँ। अभी गोपियाँ कीर्तन कर रही है और कृष्ण को कहाँ लेटा दिया? बोले बैलगाड़ी को नीचे, और घर का सारे सामान रख दिया ऊपर। अभी कृष्ण का नींद टूट गई, बोले देखो कीर्तन हो रही मेरी और उत्सव भी मेरा, सब कुछ मेरा है, लेकिन देखो मेरे को ये कहाँ लेटा करके रखी थी बैलगाड़ी को नीचे। अभी कृष्ण सोच रहे मैं भी अपना कीर्तन करना आनंद लू। देखो भगवान का कीर्तन में बड़ा आनंद है, बड़े रस है, तभी तो हम सुनने के लिए आते हैं। लेकिन कथा सुनने का सबसे ज्यादा बड़ा श्रोता कौन है? बोले स्वयं कृष्ण। उनको कथा उनको जितने बढ़िया लगता है और किसी को उतना अच्छा नहीं लगता है। देखो एक समय आप लोग भी जयपुर गए हो, कौन कौन जयपुर गए हो? वहाँ पर एक भगवान गोविंद देवता मंदिर है, हाँ बहुत विशाल मंदिर। एक वक्ता हर साल वहाँ आकर कथा करता था, साल में एक बार आता था। जब उन्होंने साल का दूसरे बार आए, जितने श्रोता वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने सबको प्रश्न की आप लोग ये बताइए पिछले साल मैंने ये कथा को कहाँ विश्राम दिया था, फिर उसको बाद में फिर मैं कथा सुनाऊंगा, बताओ किसको याद है? सबके सब भूल गए, एक साल पहले कथा हुई थी सबके सब भूल गए। वो वक्ता ने कहा लगता है यहाँ पर कथा ठीक ठीक से कोई नहीं सुन रहा है। जब उन्होंने इतना बताया ना वो ठाकुर जी के मंदिर से आवाज आई, बोले महात्मा जी आप कैसे बता रहे हो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं? सुनने वाला मैं हूँ, मैं सुनता हूँ ना, आपने कथा यहाँ तक विश्राम की थी, इसको बाद में फिर आपकी कथा यहाँ से शुरू होगी। स्वयं ठाकुर जी आवाज दिए। इसलिए कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में कृष्ण क्यों आए? इसका कारण है कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण का अंदर में इतने माधुर्य है, कृष्ण स्वयं जब अपना रूप देखते हैं कृष्ण स्वयं मुग्ध हो जाते हैं। कृष्ण कहते भैया ये देखो इतने सुंदर कौन है? कृष्ण भी अपना रूप को देखकर पागल लग जाते हैं, इतने सुंदर रूप कृष्ण। अभी कृष्ण की इच्छा हो रही है अभी कृष्ण आकर के अपना कीर्तन सुने और कीर्तन का आनंद ले। लेकिन कृष्ण का उम्र कितना है? अभी 3 महीना के कृष्ण है, अभी घुटन पर भी प्रभु का चलना नहीं आता। कृष्ण सोचा अगर जोर जोर से थोड़ा मैं रोऊं हो सकता है मैया मेरे को उठा करके ले जाएगी। इन्होंने बड़ी जोर जोर से उन्होंने रोने लग गई कृष्ण, लेकिन मैया बड़ी कार्य में व्यस्त थी, लेन देन में व्यस्त थी। अभी मैया को कहा चुप बैठ घूम और मुंह में हाथ लगा दो। इसलिए मैया बड़ी काम में व्यस्त थी, मैया के कान में आवाज ही नहीं पड़ी। बोले कब तक रोगी इतना तो रो लिया अभी तक? इतने में कृष्ण की इच्छा हो रही है कीर्तन में आए। अभी कृष्ण की जो इच्छा शक्ति जोग माया उन्होंने कंस को करना दी। कंस ने एक राक्षस को भेज दिया जिसका नाम थी शकटासुर। ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्पन्न था,
देखने में बड़ी लंबी चौड़ी। एक दिन एक ऋषि के आश्रम पर प्रवेश किया और जितने ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर फूल लगा हुआ था सारे बाग को उन्होंने तोड़ दिए। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले क्या ठाकुर जी इसलिए तेरे को इतने मोटे छोटे बनाए? और ठाकुर जी की बात को उजाड़ने के लिए बोले तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, जिस शरीर में तुम्हारी इतने अभिमान, ये शरीर ही तुम्हारे नहीं रहेगा। अभी धीरे 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 उसका शरीर ही गायब होने लग गया। फिर सारी नशा उतर आया, संतों के चरण में गिर पड़ा, बोले बाबा बताओ मेरी मुक्ति कैसे होगी? बोले कृष्ण जब द्वापर युग में आएंगे भगवान के चरण के स्पर्श से तेरे मुक्ति होगी। अभी वो जो राक्षस सकटासुर वो गोकुल में आ गया, बोले कृष्ण कहाँ पर है? देखा ये बैलगाड़ी के नीचे कृष्ण लेटे हुए, सोचा ये बैलगाड़ी ऊपर में मैं सवार हो जाऊं। और धीरे 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 दबाते दबाते कृष्ण के नीचे सोए हुए बास कृष्ण को खींच डालूंगा। इतने में कृष्ण ऊपर में देखा, बोले मामा जी आए। हर सब मामा लगते हैं और उनका संबंधी सब मामा लगते हैं। बोले अभी मामा जी आए, ये कुछ ना कुछ मामा जी व्यवस्था करेंगे। इतने में कृष्ण अपना जो नन्हे 3 महीना के अभी चरण को चलाते चलाते कृष्ण ऐसे ठोकर मारे, वो जो बैल गाड़ी थी एकदम पूरा पलट गई, जितने दूध दही मक्खन सब के सब तसनस हो गई। गोपियां बैठ करके कीर्तन कर रही थी, बोली ये आधी तूफान है नहीं, पलटे तो पलटे कैसे? सब के सब वहां पर इकट्ठे हो गए। लेकिन इस सखाओं ने देखा था, बोले मैया कन्हैया की चरण की ठोकर से गिर गया। मैया बोले क्या पागल हो गए, मेरे लाला अभी 3 महीना के और इनकी चरण से बैलगाड़ी पलट गई? मैया को विश्वास नहीं हुई, फिर कृष्ण को लेकर के कीर्तन को बीच में ले डाली। फिर वहां पर गोपियां बैठ करके कीर्तन प्रारंभ हुआ। देखो इसमें हमारे टीकाकार लोग उसका तात्पर्य जो वो बताते हैं, कहते ये लीला में सीखा क्या है? बोले घर में जैसे उत्सव हो रही थी, लेकिन कृष्ण को क्या किया कि उत्सव से अलग कर दिया। बोले कहाँ लेटा दिया? बोले बैलगाड़ी को नीचे। बोले घर का सामान कहाँ रख दिया? बोले बैलगाड़ी के ऊपर। मतलब है अगर घर में हमारी कोई उत्सव हो, अगर वो उत्सव से भगवान को हम निकाल दें और भगवान को करते गौमन नीचे रख दिया, घर का सामान को रख दिया ऊपर, मतलब संसार की वस्तु को तो हमने बना दिया मुख्य और भगवान को बना दिया गौमन नीचा। भगवान कहते ऐसे ठोकर मारना फिर सारे तुम्हारे सत्यानाश कर दें। भगवान शिक्षा देते हैं, इसका मतलब है घर में कोई भी काम हो, जैसे बच्चे का बर्थडे मना रहे हो, घर में कोई उत्सव मना रहे हो, लेकिन सबसे पहले ठाकुर को चिंता करो। है कहते ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। पहले खाना बनाओ, लेकिन सबसे पहले ठाकुर को बोलो। अपना लिए कपड़ा लाते हो, अपना लिए पहले खरीदी मत करो, पहले किसके लिए खरीदी करो? पहले ठाकुर जी के लिए कपड़ा खरीदी करो। देखो भगवान द्रौपदी को भरी सभा में इतने वस्त्र क्यों दिए? जब द्वारका में भगवान की अंगुल किस तरह से कट गई, भगवान परीक्षा कर लेते और उनको 16108 पटरानियां वहां पर थी, लेकिन वहां द्रौपदी भी थी। अंगुल कट गए तो क्या करोगे? बैंडेज करोगे। अभी कपड़ा कहाँ से लाए? और जो साड़ी रानिया जो साड़ी पहनी हुई थी और एक जिसमें सोने की एम्ब्रॉयडरी का काम जरी की, एक एक साड़ी का कीमत करोड़ों करोड़ रुपया, कृष्ण का महिषिया लक्ष्मी है। लेकिन अभी सोचने पड़ गए कृष्ण का अंगुल में बैंडेज क्या करें, लेकिन वहां पर द्रौपदी भी थी, वो भी राजरानी है, लेकिन उसने अपना साड़ी को नहीं देखा, उसने देखा भगवान अंगुल को। कृष्ण देखते देखते द्रौपदी ने अपना जो साड़ी की साड़ी थी ना, उनको सामने फाड़ दी, फाड़ करके भगवान के अंगुल में उन्होंने बैंडेज कर दी। भगवान ने बोले द्रौपदी एक दिन जरूर तेरी रेणी में उतारना, तुमने अपना इतने कीमती साड़ी को नहीं देखा, मेरे अंगुल को तुमने देखा। कृष्ण सोच रहे थे कब मौका आए और द्रौपदी को मैं रेणी उतारूंगा।
जब दुशासन हरि सभा में वस्त्र हरण कर रहा था, कृष्ण स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10 गज साड़ी समाप्त नहीं हुआ। दुनिया देख रहे थे साड़ी के नारी, ना नारी भी की कोई साड़ी। इसलिए हमारे पद्म पुराण में बताया, भगवान जो वस्त्र पहनते हैं, जो वो वस्त्र को ठाकुर जी को पहनाते हैं, उसमें जितने धागा होता है, भगवान उसको उतना कल्प तक वैकुंठ वास देते हैं। भगवान को कपड़ा पहनाने का इतने महत्व है, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, पहले ठाकुर जी के लिए कपड़ा लाओ, भगवान के लिए। लेकिन दुनिया क्या जानते हो, आप ये दुनिया में किसी को भी खुश नहीं कर सकते। अभी तो दुनिया की सेवा कर रहे हो, आप बताओ घर में किसको खुश कर पाए अभी तक। बेटा को खुश कर पाए, ना बेटी को खुश कर पाए, ना पति को खुश कर पाए, ना पत्नी को खुश। अभी दुनिया में किसी को खुश कर पाए हो आपने? आप बताओ किसको संसार में सेवा करते करते आप किसको खुश कर पाए। ये दुनिया में खुश करना बड़ा कठिन है दुनिया में। लेकिन भगवान इतने दयालु, ठाकुर जी इतने ठाकुर जी दयालु है, उनके लिए अगर इतना करना, ठाकुर जी क्या करते हैं हमारे लिए। ठाकुर जी इतना ठाकुर जी करते हैं। इसलिए पहले क्या करो, ठाकुर जी को देखो। देखो हमारे संत लोग ने एक उदाहरण दिया, जैसे अपना शरीर को बढ़िया से श्रृंगार करो, शरीर को अच्छे तरह से सजा लो। अभी शीशा को सामने खड़े हो जाओ, उसमें जो परछाई है ना, आपको परछाई को सजाने का जरूरत नहीं। अपना शरीर को सजा दिया, ये परछाई अपनी आप सज जाती है। इसलिए कहते हैं मूल कौन है, बोले भगवान है। जो जितने भगवान को बढ़िया से श्रृंगार करो, बढ़िया से भगवान की सेवा करो, उनको मिलाओ ना, देखना हम अपने आप सज जाएंगे, हम अपने आप सज जाएंगे। उत्सव, उत्सव मतलब, उत मतलब होता है निकाल देना। अगर कोई उत्सव से अगर भगवान को निकाल दिया तो फिर क्या रह जाएगा, बोले सब। सब मतलब मरा हुआ शरीर रह जाएगा, मतलब भगवान के बगैर सब जीरो है, भगवान के बगैर सब जीरो ही है सबके सब। इसलिए कृष्ण शिक्षा देते हैं, हर काम में मेरे को लेकर के चलो, फिर तो बढ़िया तुम्हारे सारे काम बढ़िया बढ़िया होगा। देखो हमारी जो हिंदू संस्कृति है, आप देखना हम लोग तो ज्यादा कर सबके सब गाँव में रहे हैं। कोई भी घर में बेटी की शादी हो, कोई बच्चे का जन्म, सब क्या करते थे, ढोलकी मजरा लेकर के सब कीर्तन करते थे। कोई भी काम में सबके सब हरि कीर्तन की तरह सब कुछ करते थे। इसलिए सबके सब काम सबके सब बढ़िया होता था सबके सब, ठीक है ना। अभी कृष्णा धीरे धीरे बड़े हुए, क्या बड़े हुए, अभी इनकी कोई नामकरण नहीं हुआ। जैसे बच्चा होता है ना, जिसको मन में जो इच्छा होता है टुल्लो बुल्लो ऐसे बुलाते रहते हैं। अभी वो सोच रहे हैं बेटा का कोई नामकरण हो जाए, खैर तो जो नामकरण होगा उसी नाम से हम बच्चे को बुलाया करेंगे। लेकिन वसुदेव महाराज जो सोच रहे हैं, कृष्ण मेरा है, मैंने राता रात वहां छोड़ करके आ गया। लेकिन श्री नंद बाबा सोच रहे हैं बेटा मेरा है। अभी दोनों सोच रहे हैं बेटा मेरा है, दोनों का ही बेटा। इसलिए श्री गंगाचार्य देखा, अगर बाबा बेटा का कोई नामकरण करते हैं ना, पहले ऐसे नहीं नामकरण कर लेते थे। अभी जैसे टुल्लू बुल्लू टिक्की पिक्की जो मुंह में है ना, बच्चे को ऐसे नाम रख लेते थे। पहले ऐसे नाम नहीं, पहले ज्योतिष को बुलाते थे, वो जन्म नक्षत्र को देखते थे, देख करके एक अक्षर निकालते थे। वो अक्षर को पहले रख करके भगवान हो, नहीं तो उनकी किसी भक्तों का नाम को रखवाया करते थे। इसलिए भागवत का षष्ठ स्कंध में आया, अजामिल ने अपना बेटा का नाम नारायण रख लिया, छोटा बेटे का नाम। अभी छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। अभी वो बात बात में बेटा नारायण मेरे लिए पानी ले आ, बेटा नारायण तू इधर आ जा, नारायण मेरे गोद में आ जा। अभी जब अजामिल की मृत्यु की समय आई, बोले काय मन और वाक्य ये तीनों में हम सारे काम करते हैं, और मरते समय तीन जमदूत आते हैं। तीन जमदूत को देख करके डर गया, बड़ा भयंकर उनकी ग्रुप था।
उन्होंने देखा दूर में अपना बेटे को खेलते हुए, बोले बेटा नारायण नारायण, बेचारे कहे। जब उन्हें नारायण नाम लिया, दूसरे तरफ में चार विष्णुदूत आते, एक तरफ में तीन जंतु, दूसरे तरफ में चार विष्णुदूत। अभी दोनों में घमासान लड़ाई, जंतु तो कहते हैं हम ले जाएंगे और विष्णुदूत तो कहते हैं हम ले जाएंगे। हाँ देखो इनका अंदर में क्या वार्तालाप हो रही है। अगर बच्चे का नाम, अगर भगवान का नाम रखा तो कितने पुण्य है। अभी विष्णुदूत जमदूत को प्रश्न करते, भैया तुम लोग कौन हो? बोले हम धर्म राजा का दूत है, जब माना था। बोले धर्म का नाम पर अधर्म कैसे करते? बोले अधर्म क्या, आपको पता नहीं ये व्यक्ति कौन है? ये ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था, बड़ी सुंदरी ब्राह्मण इनकी पत्नी थी, लेकिन उसने अपना पत्नी को त्याग करके वेश्या को साथ में रहा और उसको हाथों में अमेध कुमेध रूप भोजन दी। 10 बेटे हुए। अभी बच्चों को पालन करने के लिए उन्होंने डाकू गुंडागर्दी सारे पाप कर्म किया, ऐसे कोई पाप नहीं इसने नहीं की, इसलिए सीधा नरक जाएगा। बोले भैया पुण्य भी तो कुछ किया। बोले क्या पुण्य किया? बोले अंतिम समय में जो नारायण का नाम लिया। बोले वाह, जिंदगी भर पाप कर्म कर लो और मरने से पहले एक बार राम का नाम उसमें हो जाएगा। विष्णुदूत कहते मूर्खो, तुम्हें क्या पता भगवान का नाम में कितने शक्ति है? जब उसने अपना बेटा का नाम नारायण रख लिया था, उसको सारे पाप मुक्त हो गए थे। फिर बारंबार जो नारायण 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 बोला, जैसे हम माला जप करते हैं ना, वो हो गया माला जप करना। और उसने जो अंतिम समय पर उन्होंने नारायण बेटा को बुलाया, कहते ना जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतर राम कहीं आवतन आई। देखो ये प्यार में दो मीनिंग है, अच्छा तरह से सुनो, बहुत अच्छी बात यहाँ पर गोस्वामी ने बताया। इसका एक अर्थ है जन्म जन्म मुनि जतन कराई, मतलब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंतर राम कहीं आवतन आई, तभी भी अंतिम समय में प्रभु का नाम मुंह से नहीं निकलता, ये एक अर्थ है। दूसरी अर्थ है कब भगवान का नाम मुंह से निकलेगा? बोले जन्म जन्म मुनि जतन करा है। जब जन्म जन्मांतर तक मुनि लोग जतन करते हैं, फिर अंतराम कहीं तभी जा करके अंतिम समय में राम का नाम निकलेगा। कोई कोई बोलते ना, अरे अभी से भजन करने का क्या जरूरत है, रिटायर्ड लाइफ में भजन करेंगे, अभी से भगवान की नाम करने का क्या जरूरत है? भैया कितने आसान नहीं, अंतिम समय पर प्रभु का नाम निकलेगा, क्योंकि रील में जो भरा हुआ होगा ना वही निकलेगा है? रील में जो भरा हुआ होगा वही तो निकलेगा ना। अगर जिंदगी भर कचड़े को भर दिया, वो अंतिम समय कचड़ा ही निकलेगा, कचड़ा ही निकलेगा। देखो एक समय एक माता जी अंतिम सज्जा पर लेते मरने वाले थे, अभी हमारे बड़े गुरु जी को लेकर गए हैं। बोले गुरु जी ये माता जी भगवान का नाम नहीं ले रही थी है, कहते बेटे को देख लेना, बेटी को देख लेना, उसको घर में देते रहना, वो सारे दुनिया की बात करती है, ये भगवान के नाम नहीं लेती हैं, आप थोड़ा इसको बोल दो, ये अंतिम समय में घर का सारे काम काज को हम देख लेंगे, इनको थोड़ा बोल तो भगवान के थोड़ा नाम जप कर। इतने में माता जी भगवान की थोड़ा नाम लो, राम राम राधे राधे बोलो। देखो क्या कहती है, बोले इतना मैं नहीं बोल सकती हूँ, कितना अक्षर बोल दिया, इतना मैं नहीं बोल सकती हूँ, 10 अक्षर बोल दिया, लेकिन ये मुँह से राम एक बार राधा नाम नहीं लिया। अब इसके एक पोता था, वो बड़ा चतुर था, बोले दादी जी तेरे मुंह से क्या नहीं निकल सकती है? वो सोच रहा था इतना तो दादी बोलेगी राम नहीं निकल सकता राधे, बोले तू जो बुलवाना चाहते ना मैं कोई नहीं बोल सकती और सब बोल सकते, मतलब भगवान की जो नाम है ना इतना आसानी नहीं मुंह से नाम निकलना। इसलिए भगवान कबीर देव अपना माँ को कहते, बोले माँ ये भगवान के नाम किसकी मुंह से निकलती है? बोले जो पूर्व जन्म में चार काम कर चुके हैं। बोले चार काम क्या है?
बोले जो सारी यज्ञ कर चुके हैं, सारे तीर्थाटन कर चुके हैं, सारे दान कर चुके हैं, सारे उन्होंने तपस्या कर चुके हैं, तब भी भगवान के नाम मुंह से निकलेगा, नहीं तो मुंह से भगवान नाम निकलना बड़ा कठिन है। इसलिए यहाँ पर श्री विष्णु तो कहते हैं, बोले देखो अगर अंतर राम कहीं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जब जतन करते हैं अंतिम समय में राम का नाम निकलती है, बोले अंतर राम कहीं, मतलब अगर अंतिम समय पर भगवान के नाम निकल गया फिर आवत नाही, फिर ये संसार में दोबारा उतर किसी संसार में नहीं आता है, है? एक बार सबके से हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अब श्री जमदूत कह रहे हैं, बोले भैया अंतिम समय में एक बार राम का नाम ले जाके हो गया समझा, उसने हो गया, बोले भैया भगवान के नाम में इतने शक्ति है। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे कोई एक रुई का ढेर है, रुई का ढेर में अगर आग की एक चिंगारी पड़ जाए ना वो जला करके राख कर देता है, कहीं भूसा की ढेर हो अगर वहां आग की एक चिंगारी पड़े देखना सब जला करके एक राख कर देती है। बोले भगवान के नाम में इतने शक्ति है, इसलिए बोले ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकलाया करिना, अंत में निकलाया करिना, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। जिस सागर को लग सके ना बिना ही कुल फेरा, श्री हरि हरि जिस सागर को लग सके ना बिना ही कुल फेरा, श्री हरि हरि हरी से बड़ा हरी का
विनती है श्री सचिनंदन गौर हरि की जय 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 श्री राधे। इसलिए भगवान के नाम में इतने शक्ति, ठाकुर जी के नाम में अगर कहीं से भी मुंह से प्रभु का नाम निकल गया तब श्री जगदूत विष्णुदूत कहते हैं भगवान का नाम चार ही तरह से कल्याण करते हैं। बोले सांकेत वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा अगहरम पितु। बोले देखो भगवान के नाम चार ही तरह से कल्याण करती है। बोले पहला नंबर है सांकेत्यम। सांकेत्यम का मतलब होता है जैसे बेटा का नाम कृष्ण रख दिया, राम रख लिया, नारायण रख लिया, इसको संकेत कहते हैं। इसलिए आप लोग देखना जितने हमारे पूर्वजों को देखो, जितने बड़े बूढ़ों को नाम पूछो, कृष्ण गोविंद राम सब ऐसे नाम, जितने माताओं को देखो गीता सीता हैं सब ऐसे, भगवती सब लक्ष्मी सब माताओं का नाम है ऐसे। लेकिन अभी अंग्रेजी संस्कृति आ करके ना हमारी सारी संस्कृति को बिगाड़ रही है। जो हम चाहते हैं शायद अंग्रेजी जैसे खान पान रहन सहन करें, हम शायद सुखी हो जाएंगे, शायद हम सुखी हो जाएंगे, बोले एकदम सुखी नहीं बनेंगे। जब तक हमारी ऋषि मुनियों की संस्कृति को हम लोग ग्रहण करेंगे ना तब तक हमारा मंगल ही मंगल है। जब हम अपना संस्कृति छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएंगे दुखी दुखी रहेंगे। देखो हमारे जो बड़े गुरु जी जब अमेरिका पहले बार गए थे उनका पहला लेक्चर वहाँ पर था, उनका पहला लेक्चर था, मैंने सुना कि अमेरिका बड़े पैसा वाला समृद्ध देश है। लेकिन जब मैं न्यूज पेपर पढ़ता हूँ देखता हूँ सबसे ज़्यादा कोई सुइसाइड करके मरने वाला होता अमेरिका में, गरीब नहीं ज़्यादा पैसा वाला, डिप्रेशन में आकर के वही लोग ज़्यादा सुइसाइड करते हैं। एक व्यक्ति शायद सुइसाइड कब करता है बताओ, जब संपूर्ण दुनिया से नफरत हो जाता है, कोई भी प्रेम करने वाले नहीं, तब भी लास्ट में दुखी होकर उसने ये सुइसाइड करता है। बोले सबसे ज्यादा अमेरिका में सुइसाइड करके मरने वाला सबसे ज्यादा अमेरिका में है। इसलिए शांति सुख पैसा से नहीं, शांति सुख भगवान की भक्ति से ही जीवन में ये शांति सुख मिलता है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है बहुत महान संस्कृति श्री हमारी संस्कृति है। इसलिए सब बच्चों का नाम टुल्लू बुल्लू टिक्की फिक्की जानते हो, सब नाम कहाँ पर है? बोले विदेश में सब कुत्तों का नाम है, और हम अभी हम बच्चों का नाम सब कुत्तों का नाम पर धरवाते हैं। बोले अरे गीता सीता और भगवती लक्ष्मी राम कृष्ण सब पुराना समय था ना, पुराना समय का नाम था, अभी हम भगवान के नाम नहीं रखेंगे, अभी तो सारे कुत्तों का नाम पर नाम कराएंगे। वृंदावन कौन कौन जाते हो, हाथ उठाओ तो वृंदावन। आप कभी वो अंग्रेजी मंदिर में जाना, कभी वो अंग्रेजी मंदिर में जाना, आप देखना छोटे छोटे बच्चे हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को पूछना तुम्हारे नाम क्या है, उनका नाम को पूछ करके देखना वो सब नाम क्या बोलते हैं, देखना कृष्णा गोविंद दामोदर हैं, और लड़की का नाम पूछना गीता सीता ललिता विशाखा सब ऐसे, सब राधा जी के नाम राधा जी सखियों का नाम सब सुनोगे। इसलिए बच्चों का नाम उल्टा पुल्टा नहीं रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए भगवान की नाम पर। और दूसरी बात देखो श्री गर्गाचार्य जी श्री वसुदेव महाराज ये गर्गाचार्य को क्यों भेज रहे हैं है? अभी वसुदेव महाराज गर्गाचार्य को बोले, बोले गर्गाचार्य जी आप थोड़ा गोकुल में जाओ, आप तो त्रिकाल दृष्टा सब जानते हो, ये जो कृष्ण बलराम ये मेरे बेटे हैं, लेकिन नंदा सोच रहा है ये बेटा मेरा है, लेकिन ये बेटा मेरा ही बेटा है। इसलिए पहले जब कोई व्यक्ति नामकरण करते थे बच्चों का, नामकरण कैसे करते थे, बोले उसका नाम ऐसे रखते थे जैसे उसको पिताजी और उसको पिताजी के नाम आए। बच्चा कौन होता है, हम कहते हैं ना बेटा हमारा नाम उजागर करना, बेटा ही तो अंतिम समय में संस्कार देता करता है ना, और उनकी पिंड प्रदान करता है। अगर कोई बच्चा बढ़िया काम करे क्या कहते हैं, भैया हमको बेटा दे, वो क्या नाम है, पहले नाम किसका, पिता माता का नाम आता है। इसलिए पहले
जो बच्चों का नाम धराया करते थे वो नियम होता था उसको पिता और उसको पिता का नाम वो नाम में आए। जैसे देखो राम, जैसे भगवान राम, बताओ तो राम का पिता का नाम क्या था? दशरथ। दशरथ उसमें चार अक्षर है, उसमें जो र अक्षर लिया है र अक्षर दशरथ महाराज से ये र अक्षर लिया है। पहले जो नाम रखते थे पिताजी के पिताजी का नाम हो, बोले दशरथ महाराज का पिताजी का नाम क्या था बताए आपको? उनका नाम था आज। आज जैसे ये आ अक्षर लिया और रखा राम और मरा, ऐसे रखते थे। जैसे कृष्ण, कृष्ण के पिताजी का नाम किया बोले श्री नंद, है नंद, उसमें जो स्ना है वहां से ये ना अक्षर लिया है। कहते उनको जो पिताजी के नाम था बोले परजन बाबा, परजन बाबा वहां से रह कर लिया है। लेकर के क्री में जो री मात्रा है ना उसके कृष्ण नाम रखा। पहले जब नाम रखते थे क्योंकि बेटा है तो खानदान को रखा करता है, वही आगे अपना परंपरा को कौन को वही आगे बढ़ाता है, ऐसे ही नाम रखा करते थे। इसलिए आप लोग भी बच्चा का नाम इधर उधर नहीं रखना, ठीक है ना। और दूसरी बात है देखो ये जो नाम करना जो संस्कार है कभी ये सबके सब साइंस ही है, ठीक क्या है ये साइंस ही है। बोल कैसे साइंस ही? जैसे एक उदाहरण दिया आप देखना, जब लड़की की शादी होती है लड़का लड़कियों को हम क्या करते हैं उनका जन्म पत्र को मिलाते हैं, मिलाते कि नहीं? कोई बोलता नहीं ये मांगली है ये ऐसे है ये ऐसे है, बोलते हैं ना जन्म पत्र मिलाते हैं। क्यों जन्म पत्र क्यों मिलाते हैं? दोनों पति पत्नी सारा जीवन सुख में रहे। जन्म पत्र मिलेगी कब? अगर वो बच्चा का नाम जिस नक्षत्र में उसने जन्म लिया है वो नक्षत्र के अनुरूप अगर आप नाम रखोगे फिर तो आप देखना ये जन्म पत्र मिलेगी। अगर आप मनमानी अगर नाम रखोगे ना जन्म पत्र नहीं मिलेगी, फिर जन्म पत्र नहीं मिलेगी आपको। इसलिए मैं गया था अभी मैं कथा करने के लिए कहीं रोहिणी गया, रोहिणी में जो मैं ये सब कथा सुना रहा था ना इसको बाद में एक माता जी मेरे पास में आए बोले बाबा आप सही बता रहे हो। बोले क्या है? बोले मेरी दो बेटी थी, मैंने कोई पंडित पंडित को पूछा ही नहीं ऐसे ही नाम रख दिया। अभी जब शादी के समय आए जब नाम मिला नाम मिलेगी, हमने कहा कोई बात नहीं शादी करा दो। अभी गए अपना ससुर घर में महाभारत लड़ाई और ऐसे लड़ाई में दोनों बेटे बेटी घर में बैठी घर छोड़कर आ गई। इसलिए ये एकदम प्रॉपर साइंस है ये नामकरण। इसलिए संत लोग उदाहरण देते हैं जैसे कोई मशीन हो आप देखना वो मशीन को साथ में एक मैनुअल भी होता है, तो मैनुअल को कौन बनाता है जिसने वो मशीन को बनाया। अगर वो मैनुअल को देख करके अगर अपर्डर करोगे मशीन को फिर तो मशीन सही चलेगा, अगर मनमानी चलाओगे तो क्या होगा खराब हो जाएगी। उसी तरह ये दुनिया जिसने बनाया ना, दुनिया बनाया किसने? भगवान ने ये दुनिया बनाया है। भगवान कहते देखो वो दुनिया बनाने का साथ साथ मैंने भी एक मैनुअल भी मैंने बनाया। बोले क्या है? बोले भागवत है, गीता है, वेद है, रामायण है, मैंने ये सब मनुष्य ही था मैं ये सब बनाया। कि जो शास्त्र के अनुरूप अगर आप लोग घर गृहस्थी करोगे ना कहता आपकी घर गृहस्थ में शांति और सुख रहेगी, घर में शांति सुख घर में बनी रहेगी, आनंद आनंद रहेगा। और अगर इसको छोड़ करके मनमानी करोगे फिर तो पति पत्नी में लड़ाई, बहू बहू में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, दुनिया में लड़ाई 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 है। इसलिए देखो एक समय हमारे जो बड़े गुरु जी थे ना, हमारे बड़े गुरु जी को किसी ने आकर के बोला गुरुदेव बेटा बात नहीं सुनता है ये, पहले अगर थोड़ी बहुत तो सुनता नहीं अगर कभी सुन लेता था, जब से शादी हुई तब से तो एकदम बात ही नहीं सुन रहा है। देखो हमारे गुरु जी क्या कहते हैं, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो? रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं। बोले अगर रामायण नहीं पढ़े तो बेटा तो ऐसे कहते बेटे को तो स्मार्टफोन पकड़ावा दिया 20,000-50,000 का, लेकिन कभी उसके बोला ही नहीं बेटा तू कभी रामायण पढ़। अगर वो रामायण पढ़ता ना वो देखता प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु न मई माता। कैसे भगवान सवेरे उठ करके पहले क्या करते हैं?
पिता माता की चरण वंदना करते हैं, पिता माता की चरण वंदना करते हैं। आप लोग लव कुश देखे होंगे, जब लव कुश उठते क्या करते हैं, पहले उन्होंने माता सीता को अपना मैया को गुरु जी को पहले प्रणाम करते हैं, हैं? प्रणाम करते गुरु जी को। अगर ये रामायण पढ़ते फिर बच्चे को पढ़ाते तब फिर ये दुर्दशा तुम्हें भोगना नहीं पड़ता, ये दुर्दशा तुम्हें भोगना नहीं पड़ता। खुद तो शास्त्र ग्रंथ भक्ति से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, और बच्चे को अगर संस्कार कहाँ डालोगे। पहला जो गुरु है ये पिता माता है ना, बच्चा कहाँ से सीखता है, सबसे पहले पिता माता से ही बच्चे सीखते हैं। इसलिए देखना कभी बच्चे लोग माला लेकर बैठ जाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे कैसे माला क्यों ले लेते हैं, कहते उसको मैया माला जब करती है ना, ये बच्चों का मैया माला जब करती है, इसलिए कभी देखना बैठ कर सामने माला लेते हैं, क्योंकि पहला जो गुरु है ना पिता माता है सबसे पहले। इसलिए जो जीवन का जो गीता भागवत है पिता माता है, इससे पहले संस्कार, संस्कार हमें इन्हीं से ही मिलता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है थोड़ा गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो। हैं देखो मैं अभी गया था कथा करने के लिए जयपुर में, मैं जयपुर से कथा करके आ रहा था, देखा एक मुसलमान बच्चा, वो 5 साल का उम्र था। मैंने कहा उसको नाम पूछा, उसको नाम से मेरे को पता चले कि मुसलमान है। मैंने कहा तेरे को कुरान आता है, वो छाती फुला कर कहता है हाँ मेरे को कुरान आती है। मैंने बोला सुनाओ, उसने कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुमको कितने साल उम्र में ये कुरान पढ़ाया जाता है, बोले हमारी धर्म में कंपलसरी जब बच्चा 2 साल को हो जाए ना उसको कंपलसरी उसको कुरान पढ़ाया जाता है, हमारे धर्म में ये नियम है, ये नियम है। इसलिए आप देखा होंगे शुक्रवार को हम मुसलमान भाई लोग छोटे छोटे बच्चों को 5-6-8 साल टोपी पहना करके मेन रोड पे बैठ जाते हैं, अपना कुरान पढ़ते हैं। हम कभी बच्चे को बोलते हैं बेटा चलो तुम्हारा गीता पढ़, नहीं तो रामायण पढ़ थोड़ी सी, बेटा चलो मंदिर में चलो, कोई बोलते हैं बताओ कौन बोलता है। नहीं तो बेटा एक तो माला जप कर ले, एक माला तो जप कर ले, फिर स्मार्टफोन तो पकड़वा दे, लो स्मार्टफोन लो और जीवन को बर्बाद कर लो, दिन भर उसमें पड़े रहो। लेकिन कभी नहीं बोलते हैं बच्चों को कभी तू गीता रामायण पढ़। इसलिए पहले तो पिता माता को पहले करनी चाहिए, हैं पिता माता से ही बच्चे सीखेंगे, ठीक है ना, हमारे गुरु जी बात कह रहे हैं। इसलिए अगर जीवन में अपना परिवार को अगर राम परिवार बनाना चाहते हो, भगवान की दरबार है, फिर तो हमें क्या करनी चाहिए, हमें हम लोग इंडोनेशिया नाम सुने हो, सुने हो इंडोनेशिया का नाम, ये मुसलमान कंट्री है, ये लोग हमारे भारत से मुरारी बापू का नाम आप लोग सुने हो, कौन कौन लोग मुरारी बापू, वो बहुत राम अच्छी कथा करते हैं। ये इंडोनेशिया ये मुसलमान कंट्री ये मुरारी बापू को हमारे भारत से ले जाते हैं अपना देश में, बोले क्यों, बोले हम लोग को रामायण सुना, बोले क्यों, अब रामायण को सुनना चाहते, बोले कारण ही हमारे घर के जो बहू और बेटियां हैं ना वो सती बन करके रहे, क्यों, रामचंद्र ने स्त्रियों को सती को बनाने के लिए अपना पत्नी को उन्होंने त्याग दिया, और वो धोबिनी कहीं एक रात रुक गई थी, बोले नहीं मैं रख नहीं सकता हूँ, जहाँ तुमने बिताया वहीं पर जाकर के रहो। भगवान ये सब चीज सिखा देते हैं, और भाई भाई में कैसे प्रेम होनी चाहिए, और पिताजी की आज्ञा बच्चों को कैसे पालन करनी चाहिए। देखो कहता रघु कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए भरो बच्चन ना जाए, कहाँ भगवान राम केवल दशरथ महाराज का केवल बाक्यों को रक्षा करने के लिए 14 साल उन्होंने वनवास किया। अपना बेटे को बोल लो 14 साल क्या 14 दिन तुम्हारी बात सुन लो, अपना मन मर्जी से 14 दिन घूमने चले जाएगा, लेकिन 14 दिन तुम्हारी बात ही नहीं सुनेगा, हैं? भाई भाई में कहते राम जो गए वनवास इसलिए बोले सौतेली मैया, इसको अपना माने सौतेली मैया की वाक्य रक्षा करने के लिए प्रभु 14 साल चले गए वनवास चले गए और सीता भी चली गई। इसलिए वो इंडोनेशिया के लोग कहते हैं ये रामायण सुनने पर हमारे बच्चों को अंदर में अच्छी संस्कार देखता है, ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे लीला की, मतलब हमारा जो रामायण है ना ऐसे एक दिव्य ग्रंथ हमारे श्री रामायण ग्रंथ है। इसलिए आप लोग अपना घर में रामायण जरूर पढ़ना, बच्चों को भी रामायण पढ़ाओ और भगवत गीता भी बच्चों को
गीता भी पढ़ा, ठीक है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर करके बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे वसुदेव महाराज गर्गाचार्य को बोले आप थोड़ा गोकुल में जाओ और मेरे बेटा का एक नाम करण करके आओ, ऐसे एक नाम रखियो जो मेरे नाम में उसका नाम जुड़ा हुआ हो। गर्गाचार्य इतने प्रसन्न हो गए, अहो भाग्य भगवान का नाम करने के लिए जाऊंगा। अभी ठाकुर जी कितने छोटे बच्चे हैं, ठाकुर जी के नन्हे नन्हे हाथ नन्हे नन्हे चरण, जब गोद में आप छोटे बच्चे को लेते हो कितना आनंद लगता है, और जब भगवान को कोई ले कितने आनंद होगा। बोले ठाकुर जी को मैं गोद में लूंगा, और ठाकुर जी जैसे होता है ना, छोटे बच्चे दाढ़ी पकड़ते हैं कपड़े खींचते हैं, ऐसे मेरे गोद में ठाकुर को लूंगा, मेरे कितने भाग्य है। तब श्री गर्गाचार्य आए श्री गोकुल में नंद बाबा का घर में आए, नंद बाबा गर्गाचार्य को देख करके बोले महात विचरणम ऋणम गृहिणाम दीन चेतसा निस्त्रसाय भगवत अन्यथा कल्पते क्वचित्। बोले ये साधु लोग हमारे घर में क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है। बोले कारण है हमारा कल्याण चिंता करके आते हैं। देखना हम सवेरे से लेकर शाम तक क्या चिंता करते हैं, नींद खोलते ही घर में हल्दी है कि नहीं, नमक है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, चावल एक नहीं, देना 24 घंटा हमारा दिमाग इसी नहीं 24 घंटा हमारे चल जाता। कहती है साधु लोग क्यों आते हैं, बल्कि इसलिए आते हैं हम लोग ने मातृगर्भ में भगवान को पास में जो वायदा करके आए थे, ठाकुर जी हमको ये नरक से निकाल जल्दी। कल हम सुन रहे थे ना, बोले जा करके क्या करोगे, बोले तेरा ही नाम जपूंगा, तेरा ही भक्ति करूंगा, तेरा ही भजन करूंगा। भगवान कहते अगर तुम भूल जाओगे ना, मैं कभी कभी साधु संत रूप में मैं आऊंगा और तेरे को बताऊंगा। तुमने बोल करके आया था ना हरिनाम करके माला जप करोगे, कितने समय टीवी पेपर इधर उधर सामने में देते हो और कितने समय माला जप करते हो। बोले प्रभु अगर एक बार आप याद दिला दोगे ना, फिर तो हम दिन रात तेरा भजन करेंगे, तेरी भक्ति करेंगे। इसलिए श्री नंद बाबा कहते हैं जब घर में भक्त लोग आए, घर में भगवान की कीर्तन हो, घर में हरि चर्चा हो, बोले वो घर नहीं कभी वो घर बोलो तो वृंदावन बन जाता है। जब भक्त लोग घर में कीर्तन करते हैं, वो जिस घर में कीर्तन होता है घर का सारे पाप खत्म हो जाते हैं, सारे घर की सारे पाप चली जाती है घर से। बोले अहो भाग्य है, तब तो वो अपने आप बोल पड़े। जब आप कृपा करके आए हो हमारी दो बच्चों का नामकरण करवा दो, वो इसलिए आए थे। बोले ठीक है, अभी जसोदा मैया और रोहिणी दोनों बच्चों को लेकर के आए, दाऊ मैया और कृष्ण को लेकर के आए। बड़े बेटा का पहले नामकरण किया, बोले आय अभी रोहिणी पुत्र रमया श्रुही। बोले देखो तुम्हारा ये जो बेटा है ना रोहिणी, ये बड़ा बलवान है, देखने में बड़े सुंदर थे, हैं बड़े बलवान थे सर, ईश्वर में श्रद्धा। बल इसका नाम होगा बलराम, क्योंकि बल का जो अधिष्ठान देवता श्री बलराम, और सबको ये आनंद प्रदान करेगा। और इसका एक नाम होगा संकर्षण, पहले ये देवों के गर्भ में आई और योग माया उसको आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापित की। इसलिए एक होगा बलराम और दूसरा होगा श्री शंकर। अभी कृष्ण का नामकरण करेंगे, गर्गाचार्य जी आंख बंद किए, उन्होंने देखा ये जो बेटा है ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का ये मालिक है। अगर इसका एक दो चार पांच नाम होना फिर तो कोई नाम रख लो, लेकिन इनका तो हरि अनंत हरि कथा अनंत, जगत में जितने सब नाम इनका ही है, कृष्ण गोविंद दामोदर ऋषिकेश
दुनिया का सारे नाम इनका ही नाम, वो तो चक्कर में पड़ गए। बोले भैया इसका नाम क्या करें? बोले आसन वर्णास्त्रय जस्य ग्रीनो तपनुजुगम तनो शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णतामुदत। बोले नंद बाबा तुम्हारा ये जो लाला है ना, ये हर युग युग में ये जगत में आता है। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति वार्त, जब जब इस जगत में अधर्म बढ़ने लगे जाए, धर्म की हानि हो, वो ब्राह्मण स्त्री इनको ऊपर में अत्याचार होने लगता है, भगवान युग युग में आकर के उनको रक्षा करते हैं। सत्य युग में कभी अकाल आए पड़ा, तुम्हारी बेटा ने आकर के सारे जीव जगतों के ऊपर में कृपा किया है। तुम्हारी संतान ये युग युग में अवतीर्ण होते हैं, इसकी इतने नाम, इतने रूप, इतने गुण हैं, वेद भी इसका अंतर नहीं पाता है। उनने बड़ी बड़ी बात बता रहे थे, लेकिन मैया यशोदा वहीं बैठी हुई थी, वो सोच रही थी ये पंडित जी कोई काम की बात बता ही नहीं रहे, बिना काम की बात बता दी जा रहे। बोले माताओं का काम की क्या बात है, क्योंकि कृष्णा बहुत उम्र में हुई है, मैया यशोदा भी बूढ़ी हो गई, अभी वो सोच रही है। बोले भैया कब तक ये घर का काम काज हमें संभालू। हर माताएं ये सोचती है बेटा जल्द से जल्दी बड़ा हो जाए और बेटा का शादी हो जाए और घर में बहू आ जाए, क्योंकि बहू आने पर सारे घर का काम काज वो ही संभाल लेती है, और जब तक वो बहू नहीं आती घर का सारे काम सास को करना पड़ता है। इसलिए मैया यशोदा सोच रही थी, अरे ज्योतिष ये तो बताए ये बेटा की कितने शादी होगी, बहू कैसे होएगा, ये बात तो थोड़ी सी बताए। मैया तो बड़ी भोली वाली गांव की है, लेकिन पंडित तो श्लोक में बोल रहे थे, लेकिन ये मैया क्या करते अपना मनमानी एक अर्थ लगा ले। देखो एक श्लोक का दो अर्थ होता है, वो बोले बहुनी सती नामानी, मतलब हे नंद बाबा तेरे बेटे का बहुत सारे नाम रूप गुण होगा, लेकिन मैया अपना मनमन में अर्थ लगा रही थी। बोले बहुनी सती नामानी, मतलब तेरे लाला का ना बहुत सारी बहुएं होंगी और बहुत सारे नाम भी होंगी, और कोई काली होगी, कोई गोरी होगी, कोई सावर्ण वर्ण की होगी, हैं तुम्हारी बेटा का बहुत सारी बहू होगी। सचमुच से कृष्ण जब ब्रज में थे राधा रानी तो थी है, लेकिन उनको ललिता विशाखा चंपकलता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी कितने उनकी सखियां हैं। कृष्ण जब द्वारका में जाते हैं फिर 16,108 पटरानियां, मैया तो खुश हो गई। बोले कोई चिंता नहीं, बहू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पहले राजा बहुत शादी करते थे, जो राजा जितना शादी करता था उसका उतना ही नाम होता था। अरे राजा को पास में इतने पत्नियां, आप देखना जैसे हम एक ही शादी करते हैं, अगर किसी तरह से एक को शादी करके ठीक ठीक से बीत जाए ना, सोचते भैया जीवन बहुत बढ़िया बीत गया। एक को पालन करना कितना कष्टिन होगा आप लोगों को पता होगा, एक को ही शादी करके पालन करना कितना कठिन है। देखो एक संत कह रहे थे जब बेटी शादी होकर के अपना जाती है ससुर घर में, वो बेटी बहुत रोती है, वो बेटी बहुत रो रही थी, परिवार वाले समझा रहे थे कोई रोना नहीं, बीच बीच में घर में आ जाना, क्यों रो रहे हो, लेकिन रोना बंद नहीं हो रही थी। पति ने कहा क्यों रो रहे हो, चुप हो जा। देखो वो क्या कहती है, बोले पहला दिन रोना तो मेरा है, अभी जिंदगी भर और मैं नहीं रहूंगी, अभी तेरे जिंदगी भर तेरे को रोना है, अभी तू रोना मेरा रोना आज खत्म है। इसलिए यहाँ पर मैया यशोदा सोच रही थी हैं, बहुत अच्छी बात है, जितने बहुएं होगी सास की उतना तो सेवा करेगी, हैं बड़ी खुश हो गई मैया। और पंडित जी को बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने दक्षिणा दी, और श्री गर्गाचार्य जी भी बड़े प्रसन्न होकर के बेटे को आशीर्वाद देकर को चले गए वहां से, हैं चले गए। जब चले गए अभी जितने ब्रज की गोपियां थी यशोदा जी से बोले, पंडित ने बेटे का नाम रखा क्या, बड़ा बड़ा बेटा का नाम रखा तो बलराम और छोटा बेटा का नाम रखा कृष्ण। बोले नाम तो बढ़िया अच्छा है, लेकिन जो कृष्ण नाम तीन बार जब तक जीवा ये पलट नहीं जाए ना, वो कृष्ण नाम ही नहीं निकलना। बोले कोई बात नहीं, ये नाम तो पत्रिका का नाम रहे, लेकिन हम अपना घर का नाम पनुआ और बलुआ,
ये नाम दो नाम रख लेते हैं, बोले श्री कन्हुआ बलुआ की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उसी की माता है आदरणीय बिहारी, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक भजन सुनो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। की राधे राधे रट जही सब जन्म की आपदा, श्री राधा से जाए। इसलिए कन्हैया कहते हैं कन्हैया वो ईशो देखी जाए, पहले मेरी शादी करा दे। तो ये कन्हैया अपनी तुतली वाली में कैसे मैया में गए थे, राधिका गोरी से फिरन की छोरी से मैया करा दे, राधिका गोरी से फिरन की छोरी से मैया करा दे, राधिका गोरी से फिरन की छोरी से Yeah.
वो फल व्यक्तियों की आवाज को सुनी, कृष्ण अपना हाथों से गेहूं को उठाए और कृष्ण धीरे धीरे चल रहे थे। जब चलते समय मैया ने चरण में नुपुर बांध करके रखी थी, अभी नुपुर का छप 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 आवाज हो रहा था, मानव नुपुर ये बता रहा था बोले कन्हैया घर से बाहर नहीं जाना। मैया ने मना की ना, कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, तृणा वर्ता आ गई थी, सकटा सुर आ गया था, खबरदार बाहर नहीं जाना। कृष्ण ने देखा ये तो जाने नहीं देगा नुपुर, उनने नीचे से था ऊपर उठा लिया, फिर चुप गया, आवाज बंद हो गई। फिर जब कृष्ण गेहूं लेकर के चल रहे थे, अभी कृष्ण का उम्र 3 साल का, बच्चों का हाथ नहीं ऐसे होता है, ऐसे होता है, अभी इस छेद से अभी धीरे धीरे गेहूं गिरते गिरते पड़ रहा था। बोले कहाँ, बोले कृष्ण के चरण के ऊपर गिर रहा था। बोले गेहूं कौन है, ये लक्ष्मी है। मानव लक्ष्मी ठाकुर जी की चरण को पकड़े हुए गा रही थी, बोले कृष्ण मेरे को क्यों बाहर निकाल रहे हो, मैं तो तुम्हारी घर की एक कोने में पड़ी हुई हूँ, तेरे में पांव पड़ता हूँ, मेरे को बाहर मत निकालो। लेकिन कृष्ण चलते 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 जब गए, हाथों में केवल दो एक गेहूं रह गए, और वो जो फल बेचने वाली थी वो तो एकदम कृष्ण प्रेम में दीवानी बनी करके भूल गई फल बेचना। वो कृष्ण लेगा कौन, कृष्ण उसने सुन रखी थी, कृष्ण बड़े सुंदर है, लेकिन जब सचमुच से कृष्ण बाहर आए, कृष्ण इतने सुंदर, बल कोटि कंदर्प कमनीय विशेष शोभम गोविंदन महादि पुरुषम तमाम बजानी, कर्ण काम देव जिनकी सुंदरता का सामने फीकी पड़ जाएगी। इसलिए हमारे एक भक्त बड़े सुंदर संस्कृत भाषा में भगवान के नंदन नंदन अष्टक लिखते हैं, बोले सुचारु भद्र मंगलम सुकर्ण रत्न कोंडलम सुचारुचितांग चंदनम नमामि नंदनम चंदनम सुचारु भद्र मंगलम छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते।
अगर वो भगवान किसकी गोद में बैठे कर महाशब्द बोले कितने अच्छी लगेगी, वो तो एकदम प्रेम में गदगद हो गई। जितने उसको पास में फल था ना, कृष्ण ने सब दे दिया, लेकिन ये कृष्ण की नन्हे से हाथ में सारे फल आ गया। हाँ, यहाँ प्रश्न है, कृष्ण इसकी गोद में क्यों बैठे, इसने क्या पुण्य कर्म की थी? बोले पूर्व जन्म में जब भगवान